बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी के ट्वीट पर एमपी में घमासान मचा हुआ है। भोपाल और इंदौर में एफआईआर बकायदा दर्ज की गई है। वायरल चिट्ठी को पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। 50 सीसी कमीशन का आरोप उनकी तरफ से लगाया था। ऐसे में देखिए किस तरीके से कमलनाथ और अरुण यादव पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी ने झूठ बोलने का आरोप इन सभी पर लगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर दावा किया था कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है, जिसके बाद से एमपी में सियासत तेज हो चुकी है। और देखिए बकायदा उस एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रियंका गांधी की, कमलनाथ की और कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ चुका है। बीजेपी अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है, क्या है अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है। बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं इस घटनाक्रम? ये गलत चिट्ठी वायरल करने का आरोप नहीं, ये सत्य साबित हो गया है कि चिट्ठी फेक है, कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई संस्था है इस नाम की, और कांग्रेस के तथा कथित लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत मध्य प्रदेश की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, ये इस प्रकार का बहुत ही हल्का और छोटा हथकंडा अपनाने का जो प्रयास किया है ये दुर्भाग्यजनक है। इसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने के लिए 41 जिलों में तो एफआईआर हमने कंप्लेंट की है, कई जगह पर एफआईआर हुई है। आप मुझे बताइए कि फेक चिट्ठी के आधार पर आप ट्वीट कर रहे हैं, कमलनाथ कर रहे हैं, अरुण यादव कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं, जयराम रमेश कर रहे हैं, अरे ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास, गरीब कल्याण हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, ये विकास की दीवार मध्य प्रदेश के अंदर है। आपके झूठ छल कपट की राजनीति नहीं चलेगी जो आपने कर्नाटक में चला ली, और झूठ की हांडी कभी कभी तो चढ़ सकती है। तो वीडियो शर्मा को आपने सुना किस तरीके से सीधा सीधा कह रहे हैं कि आखिर ये सब झूठ है, और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर वो पलटवार कांग्रेस पर कर रहे थे। यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। हमारे सहयोगी मकरंद काले ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। शिकायत कांग्रेस की ओर से भ्रष्टाचार को लेकर वायरल की जा रही है। 50% भ्रष्टाचार का कमीशन का आरोप लगाया जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अर्थी निकाली जा रही है भ्रष्टाचार की, और राम नाम सत्य के नारे भी लगाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से एक मृत व्यक्ति की अर्थी निकाली जाती है, वैसे ही भ्रष्टाचार की अर्थियां निकाली जा रही है। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि डरो मत, पीसी शर्मा है विधायक है, किस तरह की ये अर्थी है, और आपने क्या फर्जी शिकायत वायरल की जिसको लेकर एफआईआर हो रही है। राम राम सत्य है, भ्रष्टाचार मत्स्य है मध्य प्रदेश में, और ये अर्थी इस बात की है कि 50% जो ठेकों में भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता मर रही है, जनता त्रस्त है, और भ्रष्टाचार मस्त है, और ये एफआईआर की है प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी पर। लेकिन डरेंगे नहीं, कोई डरेगा नहीं, इसको उजागर करेंगे। और जिस तरह से कर्नाटक में 40% पे गई, मध्य प्रदेश में 50% पे पूरी तरह जाएगी सर। तो कांग्रेस विधायक को आपने सुना, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो चुका है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है।